लाला रामदेव ये कह रहे हैं कि उसकी पुंजड़ पाड़ के दिखाओ। हम तो ये पुंजड़ भी ले आए, ये पुंजड़ सारे पाड़ भी रहे हैं और ये भाई साहब के लिए दिखाएंगे। ये लाला जी के लिए एक सलवार लेके आए हैं, ये सलवार जो रामलीला ग्राउंड से छोड़ के भागे थे कि एसी में बैठ के ये बात करते कि 18-18 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं, 18 घंटे आप सिर्फ हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, लोगों का बेवकूफ बना के आप लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और करोड़ों रुपए अरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी करके आज पत्रकार को ललकारते हैं। पानीपत में पत्रकारों में इतना गुस्सा है, आप कहते थे पुंजड़ पाड़ने वाली बात, हम आपकी मूछ भी पाड़ेंगे। और आप किस हद तक जो आपने मर्यादा है मर्यादा भाषा का उपयोग किया है आपको बता दें, पत्रकार अगर अपनी मर्यादा भूल जाए तो उसका यही जो है सलूक होता है। उसकी पुंजड़ पाड़ के दिखाओ, हम तो ये पुंजड़ भी ले आए, ये पुंजड़ सारे पाड़ भी रहे हैं और ये भाई साहब के लिए दिखाएंगे। ये लाला जी के लिए एक सलवार लेके आए हैं, ये सलवार जो रामलीला ग्राउंड से छोड़ के भागे थे उसके उसको लेकर वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात ये सारे पत्रकार भी सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं रामदेव तक ये आवाज़ मेरी पहुँच रही होगी। पानीपत में पत्रकारों में इतना गुस्सा है, आप कहते थे पुंजड़ पाड़ने वाली बात, हम आपकी मूछ भी पाड़ेंगे। और आप किस हद तक जो आपने मर्यादा है मर्यादा भाषा का उपयोग किया है आपको बता दें, पत्रकार अगर अपनी मर्यादा भूल जाए तो उसका यही जो है सलूक होता है। और आप लोग जो घर पे बैठ के एसी में बैठ के ये बात करते हैं कि 18-18 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं, 18 घंटे आप सिर्फ हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, लोगों का बेवकूफ बना के आप लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और करोड़ों रुपए अरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी करके आज पत्रकार को ललकारते हैं। बाबा ने ये कहा था कि मेरी पूछ पाड़ के दिखाओ जी, संजय जी पत्रकार लाला रामदेव की आज जो पानीपत के पत्रकारों ने कर दिखाया है उसको आप समझिए। बाबा रामदेव को जो लाला रामदेव बन चुका है उसको समझना होगा कि आज पानीपत जिले के जो पत्रकार हैं वो जो कर रहे हैं ये कल पूरे प्रदेश में होगा, उसके बाद पूरे देश में होगा। आप ये समझिए, लाला रामदेव जी को माफी मांगनी चाहिए पत्रकारों से, और नहीं तो इसका असर बहुत बड़ा होगा क्योंकि पूरे देश में आग फैलेगी और बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को भी बहिष्कार किया जाएगा। और आज ये एक संदेश दिया जा रहा है कि बाबा रामदेव 7 दिन के अंदर माफी मांगे, अन्यथा उसके खिलाफ FIR दर्ज करके बड़ा काम करेंगे। पिछले दिनों जो करनाल में बाबा द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई थी पत्रकार जगत के ऊपर, उसको लेकर आज सारा रोष प्रदर्शन किया गया है और आज बाबा का पुतला फूंक के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा ताकि इस तरह के बाबा जो है वो आगे पत्रकारों पर टिप्पणी ना कर सके। बाबा रामदेव जिनको हम श्रद्धा से बाबा रामदेव कहते रहे हैं, करनाल में जो प्रकरण हुआ है उस प्रकरण में
बाबा जी ने पत्रकारों को लेकर या जो सवाल जवाब हो रहे थे उस वक्त जो व्यवहार किया वो बहुत खिन करने वाला था। दरअसल पत्रकार समाज का आईना होता है, समाज के लिए काम करते हैं, समाज के सवाल आगे दागता है और उनके जवाब लेकर पब्लिक को देता है, ये पत्रकार का काम होता है। तो पत्रकार ने जिस तरीके के सवाल किए थे ये उन सवालों की पैदाइश ही मेरे को लगता है बाबा जी के उस वक्तव्य से हुई थी जब उन्होंने कभी कहा था कि 2014 से पहले जब उन्होंने कहा था आपको कैसी सरकार चाहिए देश में जहां 40 रुपये लीटर पेट्रोल मिले और 300 गैस सिलेंडर मिले या 1200 का गैस सिलेंडर मिले। तो जो वक्तव्य बाबा का था उसी से पैदा हुआ ये सवाल था जो पत्रकार ने पूछा। लेकिन जिस तरीके से बाबा शायद उनको बाबा जी को लग रहा होगा कि आज बहुत बड़ी हस्ती बन चुके हैं देश विदेश में, लेकिन गरिमा और जो व्यक्तित्व होता है वो हर आदमी का अपना होता है, भले ही वो अमीर हो गरीब हो। जिस तरीके से बाबा जी ने जवाब दिया पत्रकारों ने उसका बहुत बुरा माना है और कई दिन से तैयारी चल रही थी कि बाबा जी ने जो किया है उनसे माफ़ी मंगवाई जाए। पत्रकारों में सलाह हुई तो आज हरियाणा पत्रकार संघ के बैनर के नीचे ये एक आयोजन हुआ है कि बाबा रामदेव जिनको आज लाला रामदेव का नाम दिया गया है उनका पुतला फूंका गया और ये मांग की गई कि बाबा रामदेव अपने उन शब्दों को वापस ले, अफसोस जाहिर करें, माफ़ी मांगे, तभी ये मामला शांत होगा। आज राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया जा रहा है जिसमें मांग की गई है कि या तो रामदेव माफ़ी मांगे या फिर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। ये ज्ञापन की भाषा है जो राज्यपाल के नाम डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से दिए गए हैं। आज जो लाला रामदेव का पुतला फूंका गया ये बिल्कुल सही किया गया है, क्योंकि ऐसे ऐसे लाला जो कि समाज का निर्माण करने वाले होते हैं पत्रकार, अगर उनके साथ बदतमीजी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो पहले समय आता है जब इनके पास कुछ नहीं होता तो मिन्नतें करते हैं, पत्रकारों के पीछे भागते हैं और जब सब इनके पास आ जाता है तो उन्हीं पत्रकारों को ये दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं उनका अपमान करते हैं जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं भी एक पत्रकार हूँ, रामदेव की जो भाषा थी वो अशोभनीय थी और रामदेव को पत्रकार जगत से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि देखिए पत्रकार ने खुद अपना सवाल नहीं पूछा था, कोई व्यक्तिगत नहीं था, कोई उसका पर्सनल नहीं था, वो पूरे इंडिया के लिए सवाल पूछ रहे थे और सवाल हमारा काम है, हम पूछेंगे। और रामदेव ने जो किया आज प्रदर्शन किया पानीपत के पत्रकारों ने, ज्ञापन भी देंगे और इस सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि रामदेव जी को समझाए और रामदेव जी को भी भगवान सद्बुद्धि दे और पत्रकारों से माफ़ी मांगे। आज आपने देखा कि पूरे पानीपत जिला के सभी पत्रकार साथियों का समर्थन और अनेक संगठनों का समर्थन हमें मिला है और यहाँ पर हमने लाला रामदेव का पुतला फूंका है और ये जंग हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक लाला रामदेव पत्रकार से माफ़ी नहीं मांगेगा और अपनी मर्यादा में नहीं रहेगा। आज पानीपत की जो हमारी टीम है, मैं सबसे पहले उसको बधाई देता हूँ कि एकजुट होकर सभी के सभी पत्रकार साथी लाला रामदेव के जो इन्हें अपना दिखाई थी औकात, उसकी औकात निकाल दी है और उसकी पूछ भी उसी साथी ने पाड़ी है जिसको कहते हैं मेरी पूछ पाड़ ले। तो ये इतना बड़ा हौसला जो पानीपत के पत्रकार साथियों ने दिखाया है, मैं इनको बार बार धन्यवाद करता हूँ। हाँ, यदि 7 दिन के अंदर यदि बाबा ने माफ़ी नहीं मांगी तो हर जगह प्रदर्शन होंगे और मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। देखिए बाबा रामदेव जो द्वारा जो टिप्पणी की गई है वो बड़ी ही निंदनीय है और मैं तो ये करता हूँ इससे घटिया शब्दों का प्रयोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि पत्रकार जो साथी होते हैं वो वास्तविकता दिखाते हैं और समाज को जो जिज्ञासा बनती है और समाज जो देखता है वो पत्रकारों से ही देखता है, भाई आसपास चल क्या रहा है। उस भाई का जायज सवाल था हमारे पत्रकार भाई का और इस तरह का जो बिहेव है ये बिल्कुल घटिया किस्म के लोग, और जो उन्होंने चोला पहन रखा मैं तो ये मानूंगा वो चोला भी उतार देना चाहिए। जिस तरह के लोग बोल रहे थे कि मेरी पूछ फाड़ ले, अरे पूछ फाड़ने वाली क्या बात है, ये पूछ तो अपने आप देश ही फाड़ देगा तेरी। जब पहले सरकार बनी अब हर सरकार के लिए और इस व्यापार को सेट करने के लिए जो आपने काम किया उसके लिए आप सब ये चोला पहने हुए थे। तो मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा इसके तो जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका भी बहिष्कार करना चाहिए, देश में ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है। पत्रकार समाज का इन्हें समाज के सच को दिखाते हैं, अगर जनता की तरफ से लाला रामदेव से कोई सवाल पूछा है तो कोई गलत नहीं पूछा है। लाला रामदेव जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो अशोभनीय है और हम इसके पत्रकारों के समर्थन में आए हैं, पत्रकारों के सम्मान के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा पत्रकारों के साथ हम उनके समर्थन में खड़े रहेंगे। और हम आज मांग करते हैं पत्रकारों की तरफ से लाला रामदेव जो पूंजीपति हो गया बीजेपी के टट्टू, आज पत्रकारों से माफ़ी मांगे और लिखित में माफ़ी मांगे और पत्रकारों के साथ न्याय करें। ये जो पत्रकारों ने आज जो इतना बड़ा जनसमूह निकाला है और बाबा राम लाला रामदेव के नाम से इनकार, तो रावण वर्गों का नहीं रहा तो बाबे का कहाँ इनकार रहेगा। ये बहुत गलत बात है, अब रामदेव ज़्यादा पैसे वाला हो गया तो पत्रकारों
की तो अहमियत है उसको अहमियत दे, क्योंकि पत्रकार से बढ़ के इस एक किस्म का थंब है, दूसरी एक किस्म की सरकार है। पत्रकार जो गलत काम करते हैं उनके बारे में उठाते हैं, और जब इतनी महंगाई थी, जब जब रामदेव कह रहा था 40 रुपये लीटर पेट्रोल कर देंगे, 300 रुपये का गैस सिलेंडर कर देंगे, आज 100 रुपये से भी ऊपर पेट्रोल हो गया है और गैस का सिलेंडर भी 1000 से ऊपर हो गया है, और महंगाई इतनी ज़बरदस्त बढ़ रही है, इतनी कभी नहीं बढ़ी थी। लो आज देख लो, आप गरीब आदमी मकान नहीं बना सकता, आज ये हालात हो गई है। और सरकार एक किस्म का लूट खसोट में लगी हुई है, अगर जितना पैसा इकट्ठा कराया जाए, जितनी महंगाई होगी, जितना महंगा मटेरियल होगा, उतना जीएसटी सरकार को फालतू आएगी। आम आदमी पत्रकारों का समर्थन करती है, और आम आदमी की जरूरत जहां भी पड़ेगी पत्रकारों ने, आम आदमी हमेशा कंधे के कंधा मिला के पत्रकारों के साथ चलेगी। बाबा रामदेव जिंदाबाद, बाबा रामदेव जिंदाबाद। आज अपनी मांग को जो रामदेव के द्वारा ज्ञापन दिया था, क्या कहना? अभी ज्ञापन दिया है पत्रकार महोदय ने, सभी ने इकट्ठे आपकी भावना से सरकार को अवगत करा दिया।